नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग का आज आदेश जारी हुआ है। कुछ तीन बिंदु में संशोधन किया गया है, उनको तत्काल प्रभाव से लागू भी करना है। आज स्कूल शिक्षा विभाग का हम आदेश देखेंगे, 30 मार्च को जो जारी हुआ है। मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक अध्यापक देखें, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें, इसलिए आप देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल आज दिनांक 30 है और 30 मार्च को यह जारी किया गया है आदेश। क्रमांक दरखा लिखा है, राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवल कोरोना वायरस उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु एवं विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह को में एकत्रित उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के लॉकडाउन के संबंध में निर्देश दिनांक 24 मार्च 2020 गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं राज्य शासन के सह संबंधित निर्देशों के अनुक्रम में विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 19 मार्च 2020 एवं आदेश दिनांक 22 मार्च 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न अनुसार नवीन दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। तो पहला दिशा निर्देश है कि मध्य प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में लॉकडाउन अवधि दिनांक 14 अप्रैल 2020 अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो तक अवकाश रहेगा। उक्त अवकाश अवधि में शासकीय एवं निजी विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत समस्त शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ को कार्यालयीन एवं शैक्षणिक कार्य अपने निवास स्थान से संपर्क करने की अनुमति प्रदान की जाती है। दूसरा है, दिनांक 22 मार्च 2020 से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक की लॉकडाउन अवधि अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो तक की अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा। यह प्रावधान उन शिक्षकों गैर शिक्षकीय स्टाफ पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो दिनांक 22 मार्च 2020 से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक की उक्त अवधि अथवा उसके किसी अंशभाग के लिए पूर्व से किसी भी स्वरूप के अवकाश पर हों। तीसरा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के परिपत्र दिनांक 25 मार्च 2020 के अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल की दिनांक 20 मार्च 2020 से दिनांक 11 अप्रैल 2020 तक आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाएं एवं उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा। चौथा है, विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक दिनांक 19 मार्च 2020 एवं दिनांक 22 मार्च 2020 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। केवल ये तीन बिंदु उन्होंने संशोधित किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। आदेश में वर्णित उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई में पालन सुनिश्चित किया जाए। समस्त संबंधित सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुक्रम में समस्त अनुवर्ती कार्रवाइयाँ नियम अनुसार तत्काल की जाना सुनिश्चित करें। सुधीर कुमार कोचर, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग। और दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे प्रतिलिपि। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो आदेश है अब यानी लॉकडाउन है पूरी तरह से, तो जो शिक्षक हैं गैर शिक्षकीय स्टाफ है उसे किसी भी प्रयोजन के लिए स्कूल में नहीं बुलाया जा सकता, वो घर से ही अपना कार्य करेंगे।